ओके स्टूडेंट, आज वापस से आपके लिए ले आया हूँ बहुत ही खूबसूरत सा लोकगीत जिसका नाम है वीडी वाढनार। सबसे पहला प्रश्न आपके मन में यही होगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वीडी। वीडी का मतलब क्या होता है? वीडी का मतलब होता है घास। गांव के अंदर जो गूंगे पशु पक्षी है उसके लिए घास उसका खाना है। एंड गांव के अंदर जो घर के अंदर गाय भैंस बकरियां पालते हैं उसके लिए घास लाना बहुत जरूरी है ताकि उसका भोजन मिले। वो भोजन से उसको बहुत अच्छा दूध मिलेगा क्योंकि गाय भैंस बकरियों का दूध बेचकर, छाछ बेचकर, घी दही बेचकर वो अपना गुजरान चलाते हैं, अपना घर चलाते हैं। तो यहाँ पर हमारे बहुत ही प्यारे से कवि है जिसका नाम है झवेरचंद मेघाणी, एंड उसने एक बहुत ही अच्छी एक बुक के अंदर लोकगीत का कलेक्शन किया है। वो बुक का नाम है रढ़ियाड़ी रात, और उसके अंदर का ये एक प्यारा सा लोकगीत जिसका नाम है वीडी यानी कि घास, एंड वाढनार, वाढू मतलब कट करना, कट करने वाले लोगों के बारे में, पोयम नंबर 7 स्टैंडर्ड 12 गुजराती के अंदर। मैं आपका दोस्त, आपका मित्र, आपका गुरु, दैट इज महेंद्र जोशी, आज वापस से आपके लिए ये पोयम लेके आया हूँ। तो शुरुआत करते हैं इस पोयम की जानकारी लेने के लिए। मोटा भागना लोकगीतों संबंध ग्राम्य जीवन के ऊपर होता है। ग्राम्य जीवन यानी गामडानु जीवन, गामड जीवन, ग्राम्य प्रदेश, आ संसार, तेनी नीति, तेनु नियम कंईक अलग ज होय छे। त्यां रहेता दंपतीओनी अंदर पण आजे पण भारतनी संस्कृति जोवा मळे छे, कारण के त्यां पण जे नर छे ते हमेशा एवुं ज विचारे छे के हुं सर्वश्रेष्ठ छुं, नारी सर्वश्रेष्ठ नथी। आम आजे आ लोकगीतनी अंदर श्रमिक वर्गना जे अवल चंडा ऐसा निष्ठुर पुरुष वर्ग की स्वार्थ पटुता और स्त्री सहज खेवना खुमारी और मेहनत की द्वारा ये जो साधन कमाते हैं यानी कि जो पैसा अर्निंग करते हैं उसके ऊपर आज का ये लोकगीत है। यानी इसके कोई कवि नहीं है, हाँ इसके संपादक जरूर है। संपादक का नाम है झवेरचंद मेघाणी, और इसकी बहुत ही सुंदर सी बुक है जिसका नाम है रढ़ियाड़ी रात, उसके अंदर से आज का ये लोकगीत लिया गया है। आपका जो टेक्स्ट बुक है उसके अंदर सामने के पेज के अंदर ये कुछ लिखा हुआ है, वहां पर आप अंडरलाइन करिएगा रढ़ियाड़ी रात। संपा यानी कि होता है संपादक, इसको कहते हैं एडिटर, एडिटर इज झवेरचंद मेघाणी, और उसके संग्रह में से ये लोकगीत लिया गया है। इसका साहित्य प्रकार लोकगीत रहेगा। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लोकगीत? तो लोकोनु, लोको माटेनु, अने लोको वड़ाए रचायेलू गीत यानी लोकगीत होता है। और इसका बोध, इसका मोरल जो है वो क्या है? तो पुरुष वर्गनी अदेखा यानी जेलसी इस पोएट्री के अंदर बताई गई है, और स्त्री के अंदर जो कोऑपरेटिव की भावना होती है कि पुरुष को सपोर्ट करना, घर के कार्य के अंदर सपोर्ट करना, इसकी खमिरवंती एंड प्रेमाल भावना को इस काव्य के अंदर बहुत ही सही तरह से बताया गया है। तो शुरू करते हैं आज की ये प्यारी सी लोकगीत कविता, जो कुछ इस प्रकार से ये गा के भी हम सेट कर सकते हैं। सावरे सोना नु मारु दातरडू रो, हिरनो बांधियो हाथ मुझा, है मुझा, है मुझा वालम जीलो, हवे नहीं जाऊं विड़ी वाडवार लोल, हवे नहीं जाऊं विड़ी वाडवार लो। तो ये लोकगीत है। आपने ये लोकगीत ज्यादातर नवरात्रि के समय के अंदर रास गरबा के अंदर सुना होगा, और यही लोकगीत क्या होता है? लोगों के द्वारा, जैसे गांव के अंदर किसान लोग हैं, उसकी वावणी और कापणी और ललणी क्या होता है? तो जब क्रॉप्स को कट करने का समय आता है, क्रॉप्स को जब सीड बोने का समय आता है, उस टाइम के अंदर ये लोग काफ़ी मेहनती लोग हैं, खुशनुमा वातावरण में होते हैं कि ओके अब बारिश आई, अब हम सीड बोएंगे। सीड बो जाते, ग्रो कर लेते, उसको कट करना यानी कि कापनी का समय आता है, तो उसका एक फेस्टिवल है। एंड ये फेस्टिवल के टाइम पे वो खुशनुमा वातावरण के अंदर हमेशा कुछ ना कुछ अलग अलग प्रकार की पोएट्री का सर्जन करते हैं, सब मिलके गाते जाते हैं एंड इस तरह से अपना कार्य करते जाते हैं। तो ये समय आते आते इसको हम अपडेट कर सकते हैं, हम आपकी भाषा में समझे तो लाइक दीदी तेरा देवर दीवाना, कुड़ियों को डाले दाना। अब समझ लो कि आपकी भाई की शादी है, उसका नाम राम भाई है, तो हम बोल सकते हैं राम भैया तुम्हारी बहना को माना, उसके पीछे है चार पांच लड़के दीवाना। तो ये हम अपने भाषा में अपडेट कर सकते हैं, उसको हम लोकगीत नहीं कहेंगे, किसको?
दैट इज दीदी तेरा देवर दीवाना। पर हाँ, जिस तरह से हम अपडेट कर सकते हैं उस तरह से लोकगीत भी समय के हिसाब से हम अपडेट कर सकते हैं। मजा आता है, सब साथ में मिलकर एक दूसरे की खिंचाई करते हैं, कभी एक दूसरे से प्यार व्यक्त करते हैं, तो कभी सहकार की भावना देते हैं। तो ये इस कविता का सबसे बड़ा माध्यम है। रढ़ियाली रात में से हम इसको वर्ड टू वर्ड समझते जाते हैं। जो भी वर्ड आपको समझ में नहीं आता, प्लीज आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो क्या है यहाँ पर बताते हैं कि सावरे सोना नु मारू दातर लूलोर। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लूल। लूल का मतलब होता है एक राइमेटिक सॉन्ग जब गाते हैं तो हे जीरे हे या रे, ऐसा जब सेट करते हैं तो ये एक राइमेटिक सेट करने के लिए लूल ऐसा वर्ड इस्तेमाल किया गया है। इसका कोई मीनिंग नहीं है, बस राइमेटिक सेट करना है। साव मतलब सिर्फ, सोने का मेरा दातड़ा, ये दातड़ा है जो ग्रास काट करने के लिए यानी घास को काटने के लिए हमेशा इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो यहां पर बताया गया है दैट इज सावरे सोना नु मारू दातड़ू, ये दातड़ू है पर गोल्ड का बना है, ऐसा बताना चाहता है। एंड दूसरा है हीर थी बांधे लो हाथ रे, हाथ मतलब जो उसका हैंडल है वो जिससे हीर जैसा रेशम का यानी कि मलमल का बना हो, इस तरह से यहाँ पर कवि कहना चाहता है। यानी कि लोकगीत में बताया गया है कि हीर जैसा एकदम सॉफ्ट, रेशम जैसा सॉफ्ट इसका हैंडल मतलब हाथ है। हे मूंजा यानी कि मारा, वालम जी यानी कि प्रियतम जी लूल, मैं तुम्हारे साथ आज के बाद वीडी मतलब घास काटने के लिए नहीं आने वाली हूँ। यहाँ पर जो नायिका है वो नायक को मना कर रही है कि मैं हमेशा तुम्हें सपोर्ट करती हूँ, हर जगह पर तुम्हें काम में आती हूँ। होता क्या है कि गांव के अंदर सुबह से लेकर शाम तक अगर कोई काम करता है तो गांव की औरतें काम करती हैं, क्योंकि सुबह 5 बजे अर्ली मॉर्निंग में उठ जाती है, नहाती है, धोती है, गाय भैंस के लिए अच्छा सा चारा लेके आती है, उसका दूध दोहने का कार्य, कंपाउंड साफ करने का कार्य, उसका गोबर वगैरह साफ करने का कार्य, उसके बाद पत्नी पति देव को जगाओ, फिर उसके बाद बच्चों को खिलाओ पिलाओ, ये सारा कार्य करने के बावजूद भी वो खेतर में भी हेल्प करती है। और वहां पर हेल्प करने जाती है तो वहां पर उसकी जब वैल्यू नहीं होती है तो उस वक्त वो अपने नायक यानी कि अपने पति देव को कह देती है कि मैं तुम्हारे साथ आज के बाद घास काटने के लिए, दातड़ा है, घास काटने के लिए तुम्हारे साथ नहीं आने वाली हूं। तो पति देव बोला क्यों नहीं आओगे, तो बताती है कि परणिया, परणिया यानी कि पति देव, परणिया वाढ़ियारे 5 पूड़ कार लोल 5 मतलब 5 पूड़ का मतलब बंच ऑफ ग्रास, जो घास है उसका जो बंडल किया है, तो सिर्फ वो 5 पूड़ का यानी 5 ही बंच ऑफ ग्रास को कट कर रहा है, जबकि मैं तुम्हारे सामने 10-20 यानी कम से कम 10 से 20 जितने वो बंच ऑफ ग्रास कट कर लेती हूँ, मतलब मैं तुमसे डबल ट्रिपल या चौपल वर्क कर रही हूँ। वाढ़िया का मतलब होता है कट करना, यानी पति देव ने कट किए से 5 पूड़े और मैंने उसके सामने करीबन 10 से 20 जितने पूड़े कट कर लिया। हे मुंजा, हे मेरे प्यारे वालम जी, हे मेरे पति देव जी रोल, अब मैं तुम्हारे साथ घास काटने नहीं आने वाली हूँ। और ठीक है, चलो कम काम कर लिया है पर फिर भी सपोर्ट तो करना चाहिए। अब जब उसको सर पे चढ़ाने की बात आती है, यानी जो बंच ऑफ ग्रास है यानी घास का जो पूरा है उसको माथे पर चढ़ाओ या फिर जो बैलगाड़ी उसमें रखो, तो वहां पर आप भारो, भारो का मतलब भी पूड़ का होता है, वो भारो आप सर पे चढ़ाने के लिए भी मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे हो, और फिर मुझे वहां पर जंगल के अंदर खेतर के वाट वन वाट रास्ते में मुझे ऐसे ही खड़ा रहना पड़ता है। हे मुंजा वालम जी लोल, यानी कि तुम काम भी कम करते हो, ऊपर से सपोर्ट भी नहीं करते हो, इसलिए अब मैं तुम्हारे साथ घास काटने के लिए आने वाली नहीं हूं। और फिर क्या करेंगे, अब काम तो कंप्लीट करना ही पड़ेगा। तो वहां पर वाट मार्गू, राह में से निकलने वाला जो राहगीर है उसको ये भाई करके पुकारती है कि हे भाई मने आ भारड़ी। देखो यहाँ पर वर्ड इस्तेमाल हुआ है भारो, यानी ग्रास का बंच अगर बड़ा है तो भारो, पर अगर छोटा है तो भारड़ी, सपोर्ट करने के लिए बोलते हैं छोटी सी भारड़ी, हे भाई मुझे चढ़ाओ ने, ये मुंजा वाला मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो वो वटे मार्गो को यहाँ पर संबोधन किया गया है भाई, एंड वो भाई उसको भारड़ी सर पे चढ़ाता है और इस तरह से कहता है कि देखो मुझे दूसरों के पास से काम निकलवाना पड़ता है, तुम होने के बावजूद भी ये कार्य हो रहा है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ आज के बाद घास कट करने के लिए नहीं आऊंगी। पर आरे आपे, अब जो घास कट किया है उसको बाजार में जाके लोग बेचते हैं। अब जब बेचने जाते हैं तो परणिया ने जो 5 पूड़ के कट किए हैं उसमें से पाली जितनी झाड़ी, झाड़ी बोले तो व्हाइट कलर का एक ग्रेन्स आता है जिसको जुआर कहते हैं,
एंड पाली क्या होता है, एक छोटा यूनिट होता है। पहले क्या होता है, एक डिब्बा भर के, इतना छोटा सा डिब्बा लेकर उसके द्वारा यूनिट को नापा जाता है। भाई शायद अभी तो 1 किलो 2 किलो 4 किलो आ गया है, पर पहले इस तरह से नापते थे कि ये जो ज्वार है जो गेहूं के सामने उसकी थोड़ी कम वैल्यू होती है, तो ये जो है पाली झाड़ी मतलब बहुत ही छोटा यूनिट मिला तुम्हारे 5 पुड़ के से अगर हमने कुछ अर्निंग किया है तो पाली झाड़ी मिली है, जबकि मैंने जो 10-20 बंच ऑफ ग्रास को कट किया है उसमें से मुझे सबसे अच्छा ग्रेन यानी कि गेहूं यानी कि गेहूं मिला, और वो भी कितना मिला है मानो यानी कि ज्यादा मिला है, यानी मैं तुमसे ज्यादा वर्क करती हूं पर फिर भी तुम मुझे सपोर्ट नहीं करते हो ना, इसलिए मैं आज के बाद तुम्हारे साथ नहीं आने वाली हूं आगे। पर फिर भी ये कोई घमंड नहीं करती है यहाँ पर, और फिर वो सपोर्ट करती है अपने पति को भी, और वो जो सपोर्ट करने वाले भाई को भी कहती है कि परिणा आपी पाली झाड़ी ले, जबकि मेरे में से मानो गेहूं आव्या, पर फिर भी जो भी पैसा आएगा उसमें से मैं अपने वालम को भी और जो भैया ने मुझे सपोर्ट किया था मैं उसको भी जमाड़ूंगी यानी कि खाना खिलाऊंगी, हो मेरा वालम जी। इस तरह से पति देव के साथ साथ अपने भाई को भी सपोर्ट करने वाली, मेहनत को मानने वाली, यहाँ पर एक नारी की प्रधानता की बात बताई गई है कि अब से मैं तुम्हारे साथ वीड़ी मतलब घास काटने नहीं आऊंगी। तो ये प्यार भरा झगड़ा है जिसको झगड़ा नहीं कह सकते, पर मीठी नोक जो कहते हैं, कहते ना कि जिस घर के अंदर बर्तन खड़खड़ाने की आवाज आती है मतलब वो घर और उस घर के लोग जिंदा है। पर शांत रहोगे तो शायद आप आश्रम में पहुंच गए हो, तो आश्रम में तो यार पति पत्नी का प्यार नहीं होता है, अगर जीवन के अंदर झगड़ा है तो प्यार और बढ़ता है। तो यहाँ पर मीठा सा प्यार की नोक जो गांव का सुंदर सा वातावरण यहाँ पर रढ़ियाली राम नाम की बुक के अंदर से संपादक जयचंद मेघाणी ने बताया है उसके अंदर थोड़ी बहुत बातें हम यहाँ पर ध्यान में रखने के साथ साथ वन लाइन आंसर भी देख लेते हैं। नायिका शेना वड़े घास कापे छे, तो नायिका हीरा थी जड़ित मुठिया वाला सोना ना दातड़ा थी घास कापे छे, दातड़ू उसकी आजीविका मतलब अर्निंग करने का साधन छे, इसलिए उसके लिए वो बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल है, इसलिए यहाँ पर सोना नु दातड़ू या हीरा से जड़ित मुठिया जैसा बताया गया क्योंकि वो काम का अर्निंग का साधन होने के कारण से ऐसा बोला गया है। तेथी नायिका दातड़ा ने हीरा सोना जेटली किमती दर्शाव्यू छे। मार्गमा नायिका शी मदद मांगे छे, मार्गमा जता वटे मार्गु राह चलने वाले राहगीर के पास नायिका घास नो भारो उसके माथा पर चढ़ाने के लिए मदद मांग रही है। नायक नायिका ने शी मजूरी आपे छे, आ लोकगीत ने अंदर वजन ना एकम के हिसाब से गामठी भाषा में वपराता एकम यानी कि यूनिट का उपयोग हुआ है, जेम मजूरी ना संदर्भ में प्रयोजो छे। नायक ने घास ना बदला में सिर्फ पाली जुआर यानी कि जार जिसको यहाँ पर बोला गया वो मिलता है, जबकि नायिका को उससे ज्यादा अच्छा मिलता है दैट इज मानु गेहूं गेहूं मिलता है। आम दोनों की मजदूरी में काफी सारा डिफरेंसेस बताया गया है। मुंजा वालम जी कहकर नायिका किसको संबोधित करती है, तो वो अपने मुंजा मालिम अपने पति देव यानी कि यहाँ पर नायक के लिए इस्तेमाल हुआ है। नायिका वन मार्गे उभी हती त्यारे कोण पसार थाय छे, नायिका जरे वन मार्गे उभी हती त्यारे एक वटे मार्गु राह पे चलने वाले राहगीर को वटे मार्गु कहते वो पसार होता है। नायिके वटे मार्गु ने करेली मदद नो बदलो केवी रीते चुकव्यो, तो वटे मार्गु ये नायक ना माथा पर भारू मतलब बंच ऑफ जो ग्रास है उसने उसके सर पे चढ़ाया और उसके बदले में नायिका का प्रेम व्याप्त व्यक्त किया कि उसको खाना प्यार से खाना भी खिलाती है। आगे 3-4 वाक्य के आंसर लिखना है। विड़ी न वाटनार पाछल नायिका का हेतु यानी क्या पर्पज है। नायक नायिका का जो दाम्पत्य जीवन एकदम सरल और आनंदमय तरीके से है। हवे हूँ विड़ी वाढ़वा तारी साथे नहीं आओ, जो नायिका नहीं जाए तो नायक ने जवू पड़शे अने तेथी नायक को ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तेने जोई थी आजीविका का साधन यानी कि पैसे इतने अर्न नहीं होंगे, वही नायिका घर के बद्धाज काम करने के साथ साथ समय निकाल कर सबसे अच्छी उम्दा भावना के साथ नायिका बोलती है कि मैं तुम्हें सपोर्ट करते तो आप इस सपोर्ट का सही मतलब लेना चाहिए। तो नायिका का एक ही सपोर्ट है कि मैं अपने पति को मैक्सिमम हेल्प कर सकूं, एटले वीड़ी वाड़वा हवे तारी साथे नहीं आऊं, पर जाने का पर्पस यही था कि आप सपोर्ट नहीं करते हो। नेक्स्ट है, नायिका नो हाथ शेना थी बंधायेलो छे ते शेनो बनेल छे। विड़ीवाड़ना लोकगीतमां नायिका घरना कामनी साथे साथे तेना पतिनी साथे खेतरमां पण काम करवा लागे छे, अने एटलुं ज नहीं पति करता वधारे काम करीने वधारे मजूरी ते मेळवी आवे छे।
नायिका एम जणावे छे के तेणी जे दातड़ाथी वीड़ी वाड़े छे तेनो हाथू हीरा जड़े छे ने की हीरा से बंधा हुआ है एन ए दातड़ू सोनानू छे। आम कही अने नायिका आ जीविकानी कमाणी आपना दातड़ा ने बहुत ही मूल्यवान हीरा और सोना के साथ दर्शाते हैं। इस तरह से लोकगीत का भाव समाया हुआ है। नाउ लॉन्ग आंसर है आपके सामने। नायक नो स्वार्थ अने नायिकानी निस्वार्थ भावना शी रीते आलेखन पामी छे। वीड़ी वाड़नार काव्य में नायक अने नायिका बन्ने खेती काम करी पोतानी आजीविका कमाय छे। नायक करता नायिका वधारे कमाती, वधारे मेहनतू अने वधारे झड़पथी काम करनारी उत्साही नारी छे। पोताना करता वधारे घास वाढ़ी शक्ति होवाथी पत्नी ना आ कार्य ने नायक सहन नहीं कर पाता है, सहन करी शकतो नथी। नायक ने घास वाड़वानी मजूरी में पाली जुवार मळे छे, ज्यारे नायिका ने घास वधारे वाड़वानी पण घऊ ज मळे छे, एटले के वधवाड़वाथी मण घऊ मळे छे। आम पोताना करता वधारे घास वाड़ी शक्ति नायिका प्रत्ये नायक ने थोड़ी ईर्ष्या आवे छे अने आथी नायक एनी साथे अवलचंडा यानी कि उसके साथ सपोर्ट नहीं करता है। खेतर में भारे थेल घास नो भारो पत्नी ने कि नायिका ने उपाड़ी ने नायक उसको सपोर्ट नहीं करता। इस तरह से नायक का स्वार्थ परायणता मतलब सेल्फिशनेस दिखाई देता है, कोऑपरेट नहीं करता है, ऐसी भावना व्यक्ति है। जारे नायिका वधु कमाई ने सहकार नी पति पत्नी परायणता नी निस्वार्थ भावना को यहाँ पर व्यक्त किया गया है। वटे मार्गू की मदद करने के बावजूद भी उसकी कमाई के अंदर से जो खाना बनता है वो भी उसको खिलाती है। आम पति करता वधारे चढ़ियाती होने के बावजूद भी लेश मात्र थोड़ा सा भी अहंकार नहीं करती है। ते पति साथे सहकार थी रहवा मांगे छे, तेने भारो उच्चकवामां मदद करी अने वटे मार्गुने पर प्रेम थी जमाड़ी अने बंधुत्व की भावना इस काव्य के अंदर पुरुष वर्ग ने अदेखाई अने ईर्ष्या छती जोवा मळे छे। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट आंसर था। ये जो आंसर है बाकी के वो सारे सिमिलर ही, पर इसके अंदर थोड़े बहुत आप चेंजेस करके अपनी भाषा में आप लिख सकते हो। सेम यही भी आंसर है, पर इसके अंदर ज़्यादातर टुकनों को बहुत ही ध्यान में दिया गया है कि नायक नायिका का दाम्पत्य जीवन बताओ, कविता में क्या बताना चाहते हैं, दाम्पत्य जीवन कैसा है, नायक कैसी है, नायक कैसा है, नायिका कैसी है, तो उसके ऊपर ज़रा ध्यान दीजिएगा। तो थैंक यू वेरी मच, आपको ये बहुत अच्छी लगी होगी मेरे ख्याल से, तो आपके लिए खूब खूब आभार। हमारा बस एक ही उद्देश्य है कि जितने भी गुजरात या भारत या पूरे विश्व में जो भी गुजराती जानते हैं और जो भी गुजराती का अभ्यासु है, हम उस तक पहुंचना चाहते हैं। आप इसको सब्सक्राइब क्लिक करो, इसके बेल आइकन को दबाओ, शेयर करो या ना करो, पर हाँ दो व्यक्ति तक ये बात ज़रूर पहुंचाना कि आज भी हमारी गुजराती जिंदा है, जीवंत है एंड उसके अंदर भी बहुत सारी अच्छी अच्छी कहानियाँ हैं, बहुत अच्छे लोकगीत है, बहुत अच्छी गज़ल है, गीत है, धुन है, भजन है, और वो जो हमारे साहित्यकार हैं हम उसके हमेशा आभारी रहेंगे। जिन लोगों ने ये इतना अच्छा कार्य करके दिया है, हमारा कार्य है उसको सिर्फ एक्सप्लेन करना, समझाना। जो कुछ भी समझ में नहीं आए आप हमें बता सकते हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम ये सारी बाबत आप तक पहुँचाएँगे। ठीक है, तो आपका दोस्त, आपका मित्र, आपका गुरु महेंद्र जोशी। थैंक यू।